जी हाँ, स्वागत सभी क्रिकेट के चाहने वालों का भारत बनाम श्रीलंका के बीच पहले टी20 महासंग्राम मुकाबले में। और दोस्तों, आज टॉस जीता है श्रीलंका की टीम ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया है टीम इंडिया के सामने। कुशल मेंडिस और पदुम निसंका ने एशिया कप और वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का आज ठाना है भारतीय टीम के खिलाफ। और जिस अंदाज में आज आरंभ प्रचंड कर दिया, 118 रन खड़े कर दिए 4.5 ओवर की समाप्ति के पश्चात। और मौसम के कारण दोस्तों, मुकाबला मात्र 5-5 ओवर का, अंतिम गेंद पर फिर से आप शानदार प्रहार और एक रन के साथ 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात 120 का टारगेट भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया है। श्रीलंका की टीम ने टारगेट को चेज करने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आ चुके मैदान पर। मुकाबला बहुत ही लाजवाब और दिलचस्प है। चलिए, तैयार रोहित शर्मा सामने मौजूद, सामना करेंगे दिलशान मधुशंका की गति भरी गेंदबाजी का। बड़ा मुकाबला है, 30 गेंदे 120 रन भारतीय टीम के सामने। कप्तान रोहित शर्मा काफी लंबे समय बाद टी20 में वापसी और पहली गेंद पर छक्का। शानदार अंदाज में गेंद को फॉलो किया और रोहित शर्मा ने पहली गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में छक्के के रूप में परिवर्तित कर दिया है। बेखौफ बल्लेबाजी आरंभ प्रचंड किया भारतीय टीम ने। आज पहला टी20 मुकाबला 11 तारीख से अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज है। उससे पहले एकमात्र टी20 मुकाबला श्रीलंका के साथ दोस्तों आज खेला जा रहा है। मात्र 5-5 ओवर का, बारिश के कारण भारतीय टीम 29 गेंदों पर 114 रन की दरखास्त। सामने रोहित शर्मा मौजूद, दूसरी गेंद अपर कट और पीछे फील्डर मौजूद, यहां पे तो कमाल कर दिया पदुम निसंका ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। दूसरी गेंद पर चलता कर दिया, संकट के बादल भारतीय टीम के ऊपर मंडरा रहे हैं और विराट कोहली के लिए आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 2022 के बाद टी20 मुकाबलों में आगाज रखा, कदम रखा है विराट कोहली ने और बड़ा टारगेट भारतीय टीम के सामने। 28 गेंदे 114 रन विराट कोहली सामने मौजूद और पहली गेंद पर विराट कोहली ने कड़क प्रहार कर दिया। गेंद के लगे पर छक्के हस्ताक्षर डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, इस गेंद को छक्के के रूप में परिवर्तित कर दिया है। श्रीलंका भारतीय स्तर जमी पर अहमदाबाद के खूबसूरत मैदान पर यह मुकाबला दोस्तों वक्त चल रहा है। अब सभी दर्शक हमारे साथ इस मुकाबले को देख रहे हैं। जबरदस्त मुकाबला, बेखौफ विवाक अंदाज में मुकाबला चल रहा है। 27 गेंद 108 रन, बड़ा टारगेट सामने विराट कोहली। मधुशंका तैयार, लंबा रन विराट कोहली के लिए। अली से पहला प्रहार तो जारदात है, उससे बेहतर दूसरा प्रहार। सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मजेदार स्पोर्ट पर। भारत बनाम श्रीलंका के बीच पहले और एकमात्र टी20 मुकाबला दोस्तों आज यहां खेला जा रहा है, भारत बनाम श्रीलंका के बीच। पहला कहे अंतिम, लेकिन मुकाबला लाजवाब। 26 गेंदे 102 रन सामने विराट कोहली और एक और खूबसूरत शॉट विराट के बल्ले से, गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका मिलेगा यहां पे आसानी से। पहले ओवर में मधुशंका को मिली सफलता, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने लगाई लघुशंका और शानदार बल्लेबाजी मधुशंका के ऊपर, तूफानी प्रहार विराट कोहली का। और टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद टी20 क्रिकेट से दरकिनार कर लिया था विराट कोहली ने, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले मैदान पर अपने कदम फिर से रखे। 25 गेंदे 98 रन, अंतिम गेंद विराट कोहली का विराट प्रहार मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी शॉट, 6 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाज श्रीलंका की टीम के। दर्शकों ने दोस्तों दावा किया था कि एशिया कप और विश्व कप में जो हार मिली थी भारतीय टीम के खिलाफ, उस हार की भरपाई करेगी आज श्रीलंका टीम। लेकिन भारतीय दर्शकों से निवेदन है कि इस मैच को लाइक करके कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि इस मुकाबले में कौन जीतेगा, भारत या श्रीलंका। जमी का करुण रत्न करेंगे गेंदबाजी, सामने मौजूद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सामने मौजूद, काफी ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हैं यशस्वी जायसवाल, लाजवाब बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 28 रन भारतीय टीम, 24 गेंदों पर 92 रनों की आवश्यकता। करुणा रत्न के हाथ में गेंद सीधा शॉट, गेंदबाज के ऊपर से खूबसूरत टाइमिंग, 4 रन। यशस्वी जायसवाल ये बल्लेबाज एकदम क्लासिक है, शॉट इतना खूबसूरत है, दर्शनीय शॉट, लाजवाब बल्लेबाज। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए दसों सराह का
भारतीय टीम 1.1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 पर एक टारगेट 23 गेंदों पर 88 रन का। यशस्वी जायसवाल एक गेंद पर 4 रन बना चुके हैं और विराट कोहली 4 गेंदों पर 24 रन। चलिए तैयार करुणा रत्न दूसरी गेंद, लंबा रन, बाएं हाथ दायां हाथ के गेंद पर राउंड द विकेट, दूसरी गेंद और दूसरी गेंद पर प्रहार अच्छा है। गैप में फील्डर माउथ लीजिए, यहां पे 4 रन मिलेंगे, एक और यहां पे विकेट मिल सकता था श्रीलंका की टीम को, लेकिन विकेट नहीं, यहां पे जीवन दान मिला है शानदार अंदाज में, चौका भी मिला, वन बाउंस की चेतावनी भी एम्पायर की तरफ से, 22 गेंदें 84 रन, बड़ा टारगेट भारतीय टीम के सामने इस वक्त इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए, ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना होगा। और यशस्वी जायसवाल अपर कट और पीछे फील्डर मौजूद, सीधा हाथ में गया और विकेट भारतीय टीम का, 36 पर दूसरे विकेट का पतन। करुण रत्न को मिली सफलता, यशस्वी जायसवाल को किया चलता और मुकाबले में नया रोमांच आ चुका है। आने वाले बल्लेबाज संजू सैमसन है और संजू सैमसन का तूफान आज इस मुकाबले में शानदार अंदाज में देखने को मिलेगा। समुद्र के किनारे बनाए स्टेडियम अहमदाबाद की खूबसूरत नगरी में भारत बनाम श्रीलंका के बीच सभी दर्शकों का बहुत बहुत पुनः स्वागत है। भारतीय टीम के सपोर्ट में मैच को लाइक कर दीजिए। 21 गेंदें 84 रन संजू सैमसन, और पहली गेंद पर संजू ने जो अपर कट दिखाया है वो क्या है, सीधा टी बैक बट पॉइंट सीमारेखा के बाहर 6 रन के लिए, बैक बट पॉइंट सीमारेखा के बाहर 6 रन के लिए संजू सैमसन का तूफान। हुंकार भरी टीम इंडिया ने, श्रीलंकाई की टीम ने बड़ा टारगेट यहां पर खड़ा किया है, जबरदस्त मुकाबला, 20 गेंदें 78 रन, सामने मौजूद संजू सैमसन विराट कोहली दो स्तंभ भारतीय टीम के, और करुण रत्न अंतिम 5वीं गेंद, करुण रत्न के संजू सैमसन ने लीजिए इस बार सीधा प्रहार सीधे बल्ले से, बाजवे कोहली संजू सैमसन ने लगातार दो छक्के लगाकर, लगातार दो छक्के लगाकर संजू सैमसन ने आरंभ प्रचंड कर दिया इस मैदान पर, बेखौफ बल्लेबाजी, बेबाक बल्लेबाजी, ज्वालामुखी बने संजू सैमसन, श्रीलंका के खिलाफ ज्वालामुखी बने हैं संजू सैमसन। 19 गेंदों पर 72 रन की आवश्यकता है भारतीय टीम को दोस्तों यहां से इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। 19 गेंदों पर 72 रनों की दरकार टीम इंडिया को, पिछली गेंद पर जो छक्का लगा के, पिछली गेंद पर जो छक्का लगाया संजू सैमसन ने, बेहतर बल्लेबाजी, शानदार प्रदर्शन, बेखौफ बेबाक बल्लेबाजी, और आरंभ प्रचंड करते हुए संजू सैमसन लाजवाब प्रदर्शन, और ये छक्का है कितना बेहतर है आप देख सकते हैं। पहली गेंद पर यह परकट किया, शानदार प्रहार, 6 रन बटोरे। चले अंतिम गेंद लेकर तैयार करुण रत्न सामने करेंगे संजू सैमसन, 19 गेंदें 72 रन, अंतिम गेंद पर भी अपर कट और यहां पे बाल बाल बचे, बाल बाल बचे संजू सैमसन। ओवर की समाप्ति, नुआन तुसार आए गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे बल्लेबाज विराट कोहली। 18 गेंदे 72 रन की दरकार है भारतीय टीम को दोस्तों यहां से जीत दर्ज करने के लिए। 18 गेंदे 72 रन, पहली गेंद और कड़क प्रहार विराट के बल्ले से, विराट शॉट 6 रन। जितनी तेज गति से गेंद आई थी विराट कोहली के पास, उतनी तेज गति से दोस्तों गेंद को वापस भेज दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आरंभ प्रचंड कर दिया भारतीय टीम ने हुंकार भरे इस बड़े मुकाबले में, 2 साल बाद T20 में ऐसा प्रदर्शन विराट के बल्ले से, यादगार विक्ट्री आज लिख दिया विराट ने, विराट की विक्ट्री, 17 गेंदें 66 रन, 54 पर दो टीम इंडिया, विराट पहुंचे 28 पर, सैमसन पहुंचे 12 पर, नुआन तुसारा दूसरी गेंद, विराट कोहली के लिए हवाई फायर, इस बार संपर्क नहीं है, हवा में गेंद है, डॉट बॉल आएगी, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी नुआन तुसारा की, बल्लेबाज के ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं श्रीलंका गेंदबाज। चलिए तैयार सामने विराट, और लीजिए विराट कोहली ने फिर से जबरदस्त प्रहार कर दिया, हर गेंद पर छक्के की आवश्यकता भारतीय टीम के हाथ से इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए, और शानदार बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी यहां पे करके दिखा रहे हैं विराट कोहली, बेखौफ प्रदर्शन, बेबाक प्रदर्शन,
भारतीय सरजमी पर श्रीलंका टीम को जीतना इस वक्त असंभव सा लग रहा है। अब सभी दर्शकों से निवेदन, ऋचा सभी दर्शकों से निवेदन, दोस्तों इस मुकाबले को कमेंट करके जरूर बताएं कौन जीतेगा 15 गेंदें 60 रन। अलीज इस बार फिर से हवा में, गेंद पीछे, फील्डर मौजूद और विकेट यहां पे गिर चुका है। विराट कोहली का बड़ा विकेट, नुवान तुसारा 34 बनाए विराट कोहली ने। और विराट के बाद अब पारी को संभालेंगे रिंकू सिंह, श्रीलंका के खिलाफ भी बड़ा मुकाबला है आज, दिलचस्प मुकाबला। रिंकू सिंह वापस 14 गेंदें 60 रन। फिलहाल संजू सैमसन सामने, संजू सामसे बड़ा प्रहार, संजू का अपर कट, विकेट के पीछे 6 रन। नुवान तुसारा की गति का प्रयोग किया संजू सैमसन ने, ज्वालामुखी बने संजू सैमसन, इतिका की जबरदस्त कमेंट्री, लाजवाब मुकाबला। और 13 गेंदें 54 रन की दरकार भारतीय टीम को दोस्तों यहां से इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। सामने बल्लेबाज संजू सैमसन, एक और फिर से नुवान तुसारा की गेंद, इस बार विकेट, नीचे मुकाबला फंस चुका है यहां से। अब एक ही ओवर में 2 सफलता है नुवान तुसारा को, मैच यहां पे फंस चुका है। अब कहानी क्या बयां करेगी इस मुकाबले की, श्रीलंका टीम के नुवान तुसारा ने गेंद फेंकी, अपर कट संजू सैमसन फिर से करना चाहते थे, इस बार विकेट के पीछे गया है शॉट। 5 गेंदों पर 18 रन बनाए, 66 पर 4 टीम इंडिया। और अगले बल्लेबाज दोस्तों यहां पे आएंगे, सोमन गिल इस मुकाबले में खेल रहे हैं भारतीय टीम की तरफ से। ये मुकाबला यहां से फंस चुका, 4 विकेट गिर चुके भारतीय टीम की, 4 विकेट गिरे हैं भारतीय टीम के। रिंकू सिंह सामने आए, पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने प्रहार कर दिया जोरदार, रिंकू की मैदान में एंट्री और गेंदबाजों की बजी है घंटी। ताबड़तोड़ प्रदर्शन, 122 मीटर के लंबे छक्के के साथ महेश दीक्षणा के ऊपर रिंकू सिंह ने किया जोरदार प्रहार और गेंद को डिलीवर कर दिया दर्शक दीर्घा में 6 रन की। सभी दर्शकों से एक ही निवेदन, एक ही गुजारिश दोस्तों, आप भारतीय टीम के सपोर्ट में इस मैच को, इस मुकाबले को लाइक कर दी। 11 गेंदे 48 रन सामने रिंकू मौजूद, पिछड़ा गेंदबाज रिंकू सिंह के लिए 11 गेंदे 48 रन लीजिए। इस बार फिर से बड़ा प्रहार, रिंकू सिंह ने भरी हुंकार, ताबड़तोड़ प्रदर्शन रिंकू सिंह का, मैदान पर रिंकू सिंह के नाम की गूंज गूंज रही है। श्रीलंका के खिलाफ ऐसा बेखौफ, ऐसा बेबाक प्रदर्शन रिंकू सिंह ने, खूबसूरत टाइम किया इस गेंद को, शानदार प्रहार 6 रन, बेखौफ बेबाक बल्लेबाजी, 10 गेंदें 42 रन दरकार टीम इंडिया को यहां से मैच में जीत दर्ज करने के लिए। 10 गेंदें 42 रन सामने गेंदबाज महेश दीक्षणा, साथ दे रहे हैं सोमन गिल। भारतीय टीम इस वक्त संकट के बीच में फंसी हुई है, देखना होगा क्या कहानी बयां करती इस मुकाबले की। और लेकिन रिंकू सिंह सामने, और रिंकू सिंह ने इस बार फिर से लाजवाब शॉट, सीधे बल्ले से हवा में खेल दिया है प्रहार, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से डग आउट में 6 रन के लिए। अलीगढ़ का युवा नौजवान T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम में प्रवेश कर चुका है, लगभग इनका चयन डिपेंड करता है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से, उससे पहले आज एकमात्र मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला जा रहा है। 9 गेंदे 36 रन सामने रिंकू सिंह मौजूद, कहानी बेहद दिलचस्प हो चुकी है इस मुकाबले की, लगातार 3 छक्के रिंकू सिंह लगा चुके इस मुकाबले में। महेश तीक्षणा तैयार, इस बार दूर पे कितनी गेंद, फिर भी गेंद गई दोस्तों सीधी डीप, इसको अलेक्सी मार्का के बाहर 6 रन के लिए। समुद्र और पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ एक खूबसूरत मैदान, आज एक और विक्ट्री आज यहां लिखी जाएगी भारत बनाम श्रीलंका के बीच, बड़ा मुकाबला। सभी भारतीय दर्शकों से निवेदन की गुजारिश दोस्तों, यहां पे भारतीय टीम के सपोर्ट में इस मैच को लाइक कर दीजिए, मात्र 200 लाइक का टारगेट है। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। लगातार 4 छक्के रिंकू सिंह के बल्ले से, लगातार 4 छक्के, 5वां छक्का फिर से लीजिए यहां पे,
रिंकू सिंह ने आते ही इस मुकाबले में नई जान डाल दी। रिंकू सिंह ने लगाए लगातार पांच छक्के। रिंकू सिंह ने लगाए लगातार पांच छक्के इस मैदान पर। लाजवाब मुकाबला, ताबड़तोड़ प्रदर्शन भारतीय टीम का। भारत बनाम श्रीलंका के बीच में दोस्तों पहला टी20 मुकाबला आज खेला जा रहा है। 7 गेंदें 24 रन की दरकार भारतीय टीम के हाथ से इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। और महेश तीक्षणा के सामने रिंकू सिंह की आरंभ प्रचंड बेखौफ बल्लेबाजी लगातार चल रही है। अंतिम गेंद, खूबसूरत शॉट, इस बार स्वीपर कवर के ऊपर से मारा है प्रहार, फील्डर मौजूद थे लेकिन दर्शक बन के रह गए। और लगातार 6 छक्के दोस्तों आप रिंकू सिंह ने लगा दिए पिछले ओवर में। वनिंदु हसरंगा आए गेंदबाजी करने के लिए, लगातार 6 छक्के रिंकू सिंह ने पिछले ओवर में लगा दिए। शानदार मुकाबला रहा है और लगातार 6 छक्के दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते तो एक झलक आपको लगातार उस 6 छक्कों की दिखा देते हैं आप ही इस जबरदस्त अंदाज में। ये रहा पहला छक्का रिंकू सिंह का, शानदार अंदाज में सीधा प्रहार किया था हवा में दोस्तों, गेंद गई थी खूबसूरत अंदाज में और उससे बेहतर था ये दूसरा छक्का विकेट के पीछे। लेट कट किया फाइन लेग के ऊपर से तीखा प्रहार सीधा छह, तीसरा छक्का उससे भी बेहतर। लगातार छक्कों की बौछार और स्टेडियम के बाहर गेंदों को लगातार भेज रहे रिंकू सिंह। लगातार 6 छक्के, चौथा छक्का रिंकू सिंह के लिए और शानदार प्रहार एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर, तूफान में जा रही है गेंद। और अंतिम छक्का था दोस्तों स्वीपर कवर के ऊपर से प्रहार जो किया था, ये बेहतर लाजवाब, सबसे पसंदीदा शॉट रिंकू सिंह का, लाजवाब मुकाबला। सभी दर्शकों से निवेदन गुजार दोस्तों आप इस मुकाबले को लाइक जरूर कर दीजिए। लगातार 6 छक्के लगाकर रिंकू सिंह ने विक्ट्री लिख दी है आज, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए रिंकू सिंह ने। वनिंदु हसरंगा आए ओवर का निकले पहली गेंद, हसरंगा के सोमन गिल ने हवाई फायर कर दिया है। शॉट चॉइस तो लाजवाब है मिड विकेट के ऊपर से, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। अठारह रन की दरकार टीम इंडिया को यहां से इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। और श्रीलंका के खिलाफ ऐसा मुकाबला, ऐसा बेहद दिलचस्प मुकाबला सदियों बाद देखने को मिला। 5 गेंदें 12 रन की दरकार भारतीय टीम को दोस्तों यहां से इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। सामने मौजूद बल्लेबाज सोमन गिल, इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट, सीधा प्रहार, अपील जोरदार यहां पे, बाल बाल बचे बल्लेबाज। एक समय के लिए सांसें थम चुकी थी भारतीय टीम की, लेकिन फिर से तैयार। 4 गेंदें 12 रन, मुकाबला फंस चुका, 4 गेंदें 12 रन, 1 छक्के की और दरकार टीम इंडिया को यहां से इस मुकाबले वापसी करने के लिए। वनिंदु हसरंगा और इस बार फिर से प्रहार जोरदार सोमन गिल, एक तरफ रिंकू सिंह दूसरी तरफ सोमन गिल, और भारतीय टीम ने बेखौफ अंदाज में आज फिर से दोस्तों यहां पर श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप और वर्ल्ड कप दोहरा दिया है। श्रीलंका के खिलाफ लगातार जीत का सिलसिला भारतीय टीम का जारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन दोस्तों अभी अभी हमारे साथ जुड़े, आज श्रीलंका टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, भारतीय टीम के सामने विशाल टारगेट खड़ा किया था और उस टारगेट को चेस करते भारतीय टीम 3 गेंदों पर 1 छक्के की दरकार है भारतीय टीम के हाथ से। 3 गेंदों पर 1 छक्के की दरकार, 3 गेंदों पर 1 छक्के की दरकार टीम इंडिया को यहां से इस मैच में, इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। और ये बेहद दिलचस्प मुकाबला है, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प। 3 गेंदें 6 रन दरकार टीम इंडिया को। गेंदबाजी कर रहे हैं वनिंदु हसरंगा, सामने मौजूद सोमन गिल। अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक भी इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हसरंगा तैयार, हसरंगा तैयार है, गेंद अच्छी थी हसरंगा की, सीधा शॉट, गैप में 4 रन यहां पे लगा दिए सोमन गिल ने। ये नजाकत भरी बल्लेबाजी, एक कलात्मक बल्लेबाजी सोमन गिल की, सारे गेंदबाजों को लाइन में खड़ा कर दिया सोमन गिल और रिंकू सिंह ने। विराट कोहली ने दोस्तों आज लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया, शानदार 34 रनों की पारी खेली थी विराट कोहली ने। लेकिन अब रिंकू और सोमन गिल लाजवाब प्रदर्शन, 2 गेंदें 2 रन दरकार टीम इंडिया को दोस्तों हाथ से इस मुकाबले में विजय श्री होने के लिए। 2 गेंदें 2 रन, क्या सुपर ओवर हो सकता है, क्या सुपर ओवर हो सकता है।
या फिर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगी। सभी से निवेदन दोस्त, आप इस मुकाबले को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिए कौन जीतेगा। दो गेंद दो रन, सामने सोमन गिल तैयार। वनिंदु हसरंगा गेंदबाज, हसरंगा के गेंद, सोमन गिल ने सीधा प्रहार, कड़क शॉट। गेंद के लगे पर छह के हस्ताक्षर सोमन गिल के बल्ले से और भारत बनाम श्रीलंका के बीच दोस्तों शानदार जबरदस्त वीडियो गेम में, जबरदस्त गेम प्ले में भारतीय टीम दोस्तों आप पे जीत दर्ज कर ली है। कप्तान बातचीत करते हुए कि लेकिन अब बातचीत निरर्थक गई है, निराशा छात लगी है श्रीलंका की टीम के। एक बार फिर से भारतीय दर्शक झूम रहे हैं, एक विकेट से इस मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत लिया है। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक भी जबरदस्त गेम प्ले को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए टीम इंडिया के सपोर्ट में। और पहली बार दोस्तों अगर आप हमारे साथ चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शानदार प्रदर्शन रहा आज भारतीय टीम का। कप्तान रोहित शर्मा जल्दी आउट हो चुके थे, रिंकू सिंह ने 36 बनाए और 34 विराट, 22 सोमन गिल, 18 संजू सैमसन। और श्रीलंका टीम की तरफ से तो दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 60 और 58 की पारी खेली थी और बड़ा टारगेट था भारतीय टीम के सामने। मैन ऑफ द मैच रहे पदुम निसंग का, शानदार प्रदर्शन किया था। चले मिलेंगे दोस्तों अगले का शानदार वीडियो गेम क्रिकेट गेम प्ले मुकाबले में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।